आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन करवा रहे हैं जहां वर्ष भर में नवरात्रों के दिनों में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए एक विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस मंदिर में आस्था से जुड़ी 10 महाविद्याओं के नाम पर उन 10 औरतों का भी पूजन किया जाता है जिनके सिर्फ लड़की का ही जन्म होता है। नवरात्र के इस विशेष धार्मिक पंडाल में माता की आरती के साथ साथ शास्त्रानुसार पंडित लोग हवन कुंड में आहुतियां डालते हैं और शुरू होता है 151 कन्याओं का पूजन। आज हम जिक्र कर रहे हैं धर्म और आस्था से जुड़े एक ऐसे मंदिर की जहां वर्ष भर के नवरात्रों के अंतिम नवरात्र में एक विशेष पूजा अर्चना और महायज्ञ का आयोजन किया जाता है। इसमें खासकर औरतें तथा कन्याओं को लेकर एक विशेष पूजा अर्चना की जाती है। हम आपको बता दें गोहर उपमंडल में धर्म से जुड़े ऐसे सैकड़ों मंदिरों का अपना अलग ही इतिहास रहा है। इसमें मुख्य तौर पर देव कमरूनाग मंदिर, माता शिकारी देवी मंदिर, देव माहुनाग मंदिर, देव बनियूरी मंदिर, देव भंगरोह मंदिर, माता सरोहा देवी मंदिर बहुत प्रसिद्ध हैं। लेकिन महिषासुर मंदिर म्याह के इस प्राचीन मंदिर में कन्या भ्रूण हत्या को लेकर भी एक विशेष पूजा अर्चना की जा रही है जिसमें नवरात्र के अंतिम दिन 151 कन्याओं का पूजन किया जाता है। महाविद्याओं में उन महिलाओं का भी विशेष पूजन किया जाता है जिनके पुत्र नहीं होते, केवल पुत्रियां ही होती हैं। उन महिलाओं का भी इस विशेष पूजा अर्चना में विशेष स्थान दिया जाता है जिससे समाज में पनप रही भ्रूण हत्या पर कुछ हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि जिन औरतों की सिर्फ लड़कियां ही होती है उन्हें 10 महाविद्या के रूप में देवी का अवतार माना गया है। ऐसे में वे औरतें समाज में एक विशेष स्थान रखती हैं। 10 महाविद्या औरतों का पूजन इसलिए करवाया जाता है ताकि समाज में उन औरतों को एक विशेष सम्मान भी मिल सके। ऐसा माना जाता है कि जिन औरतों के घर सिर्फ कन्या का जन्म होता है उन्हें 10 महाविद्या के रूप में देवी का अवतार माना गया है। ऐसे में वे औरतें समाज में एक विशेष स्थान रखती हैं। 10 महाविद्या औरतों का पूजन इसलिए करवाया जाता है ताकि समाज में उन औरतों को एक विशेष सम्मान मिल सके। मंदिर में काम करने वालों का मानना है कि जिनके केवल एक ही कन्या होती है उन्हीं औरतों को पूजा योग्य माना जाता है। महिषासुर मर्दिनी में अमाई के मंदिर में यहाँ की जितनी कर स्थानीय जनता है उनके सहयोग से
यज्ञ का हर नवरात्रों में आयोजन किया जाता है। हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि हम धार्मिक भावना एरिए में हमेशा हर आदमी के दिल में ले जाएं, और हमारा विशेष रहता है कि इस नवरात्रों के माध्यम से हम लोगों में संदेश दें कि वो अपनी हिंदू संस्कृति से जुड़े रहें तथा भ्रूण हत्या को रोकने के लिए विशेष आयोजन हम नवरात्र के अंतिम दिन जो आज हम कर रहे हैं, ये 151 से ऊपर कन्याओं का हम पूजन करते हैं और उसमें 10 औरतों का पूजन करते हैं जिनमें कि जिनके कि पुत्रियाँ ही पैदा हुई हो, तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए कि पुत्री पुत्र से ज़्यादा बढ़कर होती है और भगवती का रूप होती है। धार्मिक आस्था के नाम से जुड़े महिषासुर मंदिर बासा में हर साल होने वाले नवरात्रों में एक विशाल भव्य विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया जाता है। इसमें 151 कन्याओं का विधिवत रूप से पूजन किया जाता है। साथ ही हजारों श्रद्धालु अपनी अपनी इच्छानुसार सभी पूजनीय कन्याओं को पूजने के साथ साथ दक्षिणा भेंट कर पुण्य कमाते हैं। यही नहीं, महायज्ञ में विभिन्न स्थानों से आए भक्तगण भजन कीर्तन का भी आनंद उठाते हैं। के चैनल के लिए गोहट से हरीश चौहान की रिपोर्ट।